अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्लिम जी से हाँ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से इनक्यूबेटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आज से पहले इनक्यूबेटर यूज़ नहीं किया है, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको आज की वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने किस तरह से इनक्यूबेटर को यूज़ करना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इनक्यूबेटर के जो इंट्रोडक्शन उसके बारे में, उसमें काफ़ी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल वो होगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसके जो इनक्यूबेटर है उसको चेक कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसके पार्ट्स के बारे में, और इसके बाद मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन करूंगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और इसके लिए आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये है इनक्यूबेटर, मैं आपको इसे चेक करा देता हूँ खोल कर। तो यहाँ पर ये फ़ैन है और ये बल्ब लगे हैं और ये पावर सप्लाई है, और इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अंदर जो 37.8 है, गर्म टेम्परेचर है। और ये अंडे इस तरतीब से रखे जाते हैं इनक्यूबेटर में, और इसमें 40 अंडे आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त इसमें 29 अंडे हैं और ये काफ़ी गैप के साथ रखे हुए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं जाली, इसके नीचे पानी है, पानी है इसलिए कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो सके, और वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो पानी डालने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो फनल होता है आप उसके साथ अगर पाइप लगा के यहाँ पर टच करें और उसके ज़रिए पानी डालें तो काफ़ी बेहतर रहेगा, और इस तरह से जो आपके अंडे हैं उस पर पानी नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, ये जो इसके अंदर आपको रुई भी रखनी होगी, क्योंकि रुई इसलिए रखी जाती है, तो ये जो अंडे हैं ये वक्त के साथ साथ इसके जो एग शेल हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं, पाउडर की सूरत में ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और अगर जब वो पानी पर गिरेंगे तो जो ह्यूमिडिटी का प्रोसेस है वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब अगर आप रुई रखेंगे तो वो जितने भी उसके जो वहाँ से एक्शियल गिरेगा, जो उसके पाउडर फॉर्म में गिरेगा, तो वो रुई के साथ चिपक जाएगा। तो रुई ज़ाहरी बात है गीली होगी जब आप रखेंगे, तो उसके साथ चिपक जाएगा, और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा जो आपको पानी अंदर पड़ा हुआ है, जो नीचे लास्ट में पानी पड़ा हुआ है उसके अंदर वो एक्शियल नहीं होंगे, और जो ह्यूमिडिटी है, जो बुखारात बनते हैं, नमी है, वो इस तरह आराम से चलता रहेगा प्रोसेस। तो दोस्तों, जब आप इस अंडों को पलटेंगे तो इस तरह से आप हाथ डाल के इसे थोड़ी देर के लिए अपने आप को गर्म कर लें, उसके बाद आपने इस तरह से अंडों को पलट लेना है, बल्ब से दूर रहना है, काफ़ी गर्म होंगे बल्ब, तो इसलिए आपने दूर रहते हुए इसको इस तरह से अंडों को पलट लेना है। और यहाँ नीचे पर पानी है, ये मैंने आपको दिखा दिया, तो आप बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप इनक्यूबेटर लाते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके बिजली का, जैसे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है और जो गर्मियों के दिन उसमें ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको 24 घंटे और 21 दिन, पूरे 21 दिन आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। अगर आपके पास बिजली का मसला है तो आप इसको UPS के साथ कनेक्ट कर लें। इसकी जो खपत है वो 120 वाट है, जो कि बहुत कम है। जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है नॉर्मल, अगर नया सीलिंग फ़ैन हो तो वो 200 वाट पर चलता है, और अगर पुराना होगा तो इस तरह से उसके वाट्स बढ़ते जाएंगे। तो इसकी बिजली की खपत 120 वाट है, जो कि इजीली आप UPS पर चला सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप सोलर प्लेट के साथ कनेक्ट करके आप इजीली उसको उस पर भी चला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी बोतल, आधे लीटर की बोतल, या आप अपने जो इनक्यूबेटर पर डिपेंड करता है कि उसकी जो स्पेस है वो आपके पास कितनी फालतू पड़ी हुई है, उसके मुताबिक आप उसमें पानी डालें, उबलता हुआ पानी डालें बोतल में, और उसको आप इनक्यूबेटर के अंदर रख दें, और इनक्यूबेटर को आप कंबल से ढांप दें, और इस तरह से आपका जो 5-6 घंटे हैं आसानी से गुजर जाएंगे बिजली के बगैर भी। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको बिजली 24 घंटे प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो होता है वो इनक्यूबेटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर इनक्यूबेटर में टेम्परेचर नहीं होगा तो उसमें से बच्चे नहीं निकल सकते, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर को किस तरह से आप मेनटेन रख सकते हैं, जो इसका टेम्परेचर है वो जो इसके अंदर सर्किट लगा होता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था उस सर्किट को, वो सर्किट कंट्रोल करता है इसका टेम्परेचर। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ ये जो इसका सर्किट है सही से काम करे। मसलन ऐसा ना हो कि अगर आप इसको एसी वाले रूम में रख रहे हैं, तो एसी वाले रूम में रखेंगे तो ज़ाहरी बात है वो उसको ठंडा करेगा, और जो इसके अंदर टेम्परेचर है वो इसको चाहिए, तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जो इसमें से बच्चे निकलना। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको ऐसे रूम में रखें जहाँ पर टेम्परेचर सही हो, नॉर्मल हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा वो ठंडा भी कमरा ना हो। ऐसा ना हो कि जो टेम्परेचर है रूम का वो टेम्परेचर 40 हो या 40 से ज़्यादा हो, तो इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इसको चाहिए होता है तकरीबन 36 चाहिए होता है, 36.8 या 37.8 तक होना चाहिए वो इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो उतना होना चाहिए। लेकिन अगर आपके रूम का टेम्परेचर 40 है या 40 से ऊपर है तो फिर ये काम नहीं कर सकेगा। इसलिए आपके रूम का टेम्परेचर 25-30 तक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर
टेम्परेचर है वो 36 या 37 तक जाएगा, इसलिए आपको चाहिए कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो कम हो इसके टेम्परेचर से। इसके अलावा आप इसको ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ से ठंडी हवा आती हो। एसी के अलावा आप इसको कूलर पंखे के सामने ना रखें, आप इसको दरवाजे के या खिड़की के सामने ना रखें। अगर खिड़की के सामने रख रहे हैं तो खिड़की बंद कर दें। खिड़की के सामने इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर आप खिड़की के सामने रखेंगे तो हवा आएगी और जब हवा उस पर पड़ेगी तो उसका टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो ये आपको सबसे ज़्यादा जो स्टेप्स हैं वो उठाने चाहिए। और इसके अलावा आप इंक्यूबेटर को ज़्यादा देर तक मत खोलें, ऐसा ना हो कि आप उसे बार बार खोलते रहें और उसका टेम्परेचर वो डिस्टर्ब होता रहे, तो उसके टेम्परेचर को आपको मेंटेन रखना है। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं कि इसके और क्या चीज़ें हैं जो हम ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा जो इसकी और चीज़ है वो ये है कि जो इंक्यूबेटर है जिस जगह पर आपने रख दिया एक बार उसे वहाँ पर ही रखा रहने दें। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन यहाँ पर रखे दूसरे दिन आप उसकी लोकेशन चेंज कर दें, या इंक्यूबेटर को जिस जगह पर रखा है वहाँ से आप उसको हलाएं ना, ऐसी सेफ जगह पर रखें जहाँ पर इंक्यूबेटर 21 दिन के लिए पड़ा रहे। और इसके अलावा इंक्यूबेटर जहाँ पर रखा हो वहाँ जो फर्श है उसको जब आप धोएंगे या किसी ऐसी चीज़ पर अगर आपने रखा हुआ है जिसको आप धोते हैं तो उसको पानी को दूर ही रखें, इससे उसे टेम्परेचर पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अलावा जब आप इसे स्टार्ट करेंगे जो इंक्यूबेटर से स्टार्ट करेंगे तो आपने अंडे रखने से पहले इसको आधा घंटा ऑन रखना है ताकि इसका टेम्परेचर सेट हो जाए। और इसके अलावा जब आप इसमें अंडे रख देंगे, जब आप अंडों को पलटेंगे, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको अंडे हाथ से पलटने होते हैं। और जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें मशीन खुद अंडे पलटती है, लेकिन जो रिजल्ट है सेमी ऑटोमेटिक मशीन का अच्छा है। तो जब आप इसको अंडों को पलटेंगे तो ये ज़रूरी है कि आपके हाथ एक तो गीले ना हों और दूसरा आपके हाथ ठंडे ना हो। जो इसके अंडों का टेम्परेचर है, जो इसके अंदर जो इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर है उसके मुताबिक आपके हाथ होने चाहिए। और आप अपने हाथों को पहले गर्म कर लें अंडों को पलटने से पहले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथ को इंक्यूबेटर के अंदर थोड़ी देर तक रखें ताकि जो आपका हाथ है उसका टेम्परेचर जो है वो इंटरनल टेम्परेचर के बराबर हो जाए और उसके बाद आप इजीली अंडों को पलट सकते हैं। अगर आप जो हाथ है वो ठंडा होगा या गीला होगा, या अगर आप अंडों के ऊपर पानी डाल देते हैं या गलती से पानी डाल जाता है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अंडे ख़राब हो सकते हैं और वो इस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जो इंक्यूबेटर को यूज़ कर सकते हैं। और जो इतने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी होंगी। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये चूज़े निकल जाते हैं, जब इसमें से चूज़े निकलते हैं 21 दिन पूरे होते हैं, तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे जो स्टेप्स होते हैं वो उठाने होते हैं चूज़ों को पालने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाले दिनों में इस बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेरी पहली वीडियोस आप उनको भी चेक कर लें इंक्यूबेटर के बारे में, आपको काफ़ी इंशाल्लाह वहाँ से हेल्प होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।